हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल में हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। ओके, इसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मॉलिक्यूल्स। पार्ट नंबर 4 में आपको मैंने बताया था एटम, व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। ओके, और पार्ट नंबर 5 में है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर मीन्स एक दूसरे से क्या होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली क्या होते हैं, जुड़े होते हैं टू एटम। ओके, इन ए जनरल ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम इस एटम का जो ग्रुप होता है टू ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड ओके टुगेदर, एक दूसरे से जो केमिकली बॉन्डेड होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स में, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। टाइटली वो बहुत ही टाइटली क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, एक दूसरे को जो होल्ड किए रहते हैं, पकड़े रहते हैं, किसमें, मॉलिक्यूल्स में। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स। मीन्स सम एटम्स आर डिफरेंट टाइप्स, सम एटम्स ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स मेक ए मॉलिक्यूल्स एंड सम एटम्स आर हैव द सेम टाइप्स ऑफ एटम। सम एलिमेंट्स हैव ए सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मेक ए मॉलिक्यूल्स एंड सम एलिमेंट्स मीन्स सम मॉलिक्यूल्स हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मेक्स ए मॉलिक्यूल्स। ओके, ए मॉलिक्यूल्स मेक्स टू आर मोर देन टू एटम्स, टू आर मोर देन टू एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड। ओके, केमिकली बॉन्डेड मेक्स मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम टाइप्स ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम में क्या होता है, इसमें जो होते हैं एटम्स जो होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट्स, बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटम जो होता है क्या होता है, सेम होता है, जिसमें जो एटम्स होते हैं सेम होते हैं, डिफरेंट एटम नहीं होते हैं, जिसे आर्गन हो गया, आर्गन, और क्या हो गया, हीलियम। आर्गन एंड हीलियम हैव ए सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और एंड एक्सेट्रा एंड सम एलिमेंट्स आर अदर। ओके, हीलियम, आर्गन, जियान, रेडन हैव द सेम एटम्स एंड आर मेड ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एंड दीज एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, बट ये नॉन मेटल में नहीं होता है, यह नॉन मेटल के केस में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नोन एज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू एटम से मिलकर के बना हुआ है। अ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव ए टू एटम एंड दिस इज नोन एज डायटॉमिक, दिस इज नोन एज डायटॉमिक एटम, डायटॉमिक एलिमेंट। हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नोन एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन हैव टू एटम्स। इफ थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टू वी गेट ओजोन। अगर ये ऑक्सीजन के पास अगर थ्री एटम होगा, अगर ऑक्सीजन के पास थ्री एटम होगा तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ओजोन। ये क्या हो गया, ओजोन का फार्मूला हो गया, ओजोन का सिंबल हो गया O3, जब इस ऑक्सीजन के पास थ्री एटम होंगे, जब ऑक्सीजन के पास टू एटम होगा तो क्या हो जाएगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। व्हाट इज द एटॉमिसिटी, मींस इस एलिमेंट में जितना नंबर होता है, वन नंबर है, टू नंबर है, थ्री एटम है, फोर एटम है, कितना एटम है, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी आर रिप्रेजेंटेड द नाम एटॉमिसिटी इज द रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ द एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का जो नंबर कितना होता है वो रिप्रेजेंट करता है दिखाता है कौन एटॉमिसिटी। जैसे इसकी कितनी एटॉमिसिटी है, यहां पे कितना नंबर है, यहां पे 3 है। ऑक्सीजन के यहां पे कितना है, 2 है, ठीक है। आर्गन में कितना है, 1 है, ठीक है। ये मोनो एटॉमिसिटी, डाई एटॉमिसिटी, ट्राई एटॉमिसिटी, टेट्रा एटॉमिसिटी, ठीक है, पॉली एटॉमिसिटी एंड मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट सच एज कार्बन मेटल एंड कुछ मेटल होते हैं जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया एंड सम नॉन मेटल्स डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफिनिट नंबर, ठीक है, इनडिफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टूगेदर। लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ द सम एलिमेंट कुछ एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है उसका एटॉमिसिटी यहाँ पे हम जानेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल की एटॉमिसिटी यहाँ पे हम जानेंगे। एलिमेंट है क्या, ऑर्गन, तो ऑर्गन की एटॉमिसिटी क्या होता है, मोनो एटॉमिसिटी। ऑर्गन क्या है, मोनो एटॉमिसिटी होता है, क्यों, क्योंकि ऑर्गन सिर्फ वन एटम से मिलकर के बना होता है। आर्गन जो होता है वन एटम से मिलकर के बना होता है, इसलिए आर्गन की एटॉमिसिटी क्या होती है, मोनो एटॉमिसिटी। मोनो मींस क्या होता है, वन। मोनो मींस क्या होता है, वन। हीलियम, हीलियम एटॉमिसिटी, मोनो एटॉमिसिटी। हीलियम भी क्या है, मोनो एटॉमिसिटी, क्यों, क्योंकि हीलियम भी जो है वन एटम से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मेड ऑफ टू एटम, ऑक्सीजन इज मेड ऑफ टू एटम, देन ऑक्सीजन इज डाया एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिसिटी। एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज आल्सो मेड ऑफ टू एटम, हाइड्रोजन इज आल्सो मेड ऑफ टू एटम, देन हाइड्रोजन इज आल्सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टू एटॉमिसिटी, ओके, नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक एटॉमिसिटी बिकॉज नाइट्रोजन इज फर्दर मेक्स टू एटम्स। एंड क्लोरीन, क्लोरीन डाई एटॉमिक डायटॉमिक एटॉमिसिटी बिकॉज क्लोरीन सी एल क्लोरीन एंड क्लोरीन मेक्स टू एटम, ओके, टू एटम्स मेक्स ए क्लोरीन, या ए क्लोरीन हैव टू एटम, अ क्लोरीन हैव टू एटम, देन क्लोरीन आर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फास्फोरस, फास्फोरस टेट्रा एटॉमिसिटी, टेट्रा मीन्स क्या होता है, फोर, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड में फर्स्ट क्या है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टूगेदर इन डिफिनिट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, इसमें जो कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के, डिफरेंट एलिमेंट जो कंबाइन होकर के जो है यहाँ पे बनाते हैं क्या, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। जैसे यहाँ पे कंपाउंड क्या है, वाटर, H2O means water। अब यहाँ पे वाटर, वाटर में क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है, वाटर में हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे क्या होता है, 1 होता है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, 1 होता है। तो इसका रेशियो क्या है, वाटर में रेशियो क्या, 1:8 है, रेशियो बाय मास 1:8। फिर क्या है, NH3 मींस अमोनिया, अमोनिया। तो अमोनिया में क्या, कौन कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 17, और नाइट्रोजन में कितना होता है, 14, नाइट्रोजन में कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन में कितना होता है, 3। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया यहाँ पे, 3, कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया, ओके। अब यहाँ पे सोचो कि जिसका एटॉमिक मास लिखा गया 14, यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे 16 होना चाहिए, ठीक है, 16 यहाँ पे कैसे लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में कितना हो गया, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2,
कितना हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 16, कर दीजिए 2 * 2 = 16, 1 * 8 आ गया। ठीक उसी तरह से इसका भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, कार्बन है और क्या है ऑक्सीजन है। कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का, वन ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और टू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसको आप काट दोगे किससे कटेगा, ये कट जाएगा, ये आपका 4 * 3 = 12 and 4 * 32, जिसका रेशियो क्या है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 आया। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड जो है यहाँ पे रेशियो है, वाटर का रेशियो क्या है 1:1, अमोनिया का क्या है 14:1, 14:3, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है 3:8। इस तरह से जो है रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है जैसे एलिमेंट्स हाइड्रोजन और वाटर। यहाँ पे एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं। इसका रेशियो बाय मास में क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा एटॉमिक मास 16 होता है, ये आपको पता है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड रेशियो बाय मास हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन इज 8। मास रेशियो 8 ऑफ सम मास, यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 1 और मास कितना है 1, 1/1 इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और इसका क्या 8 by 16 को क्या करो 8 * 1 = 8, 8 * 2 = 16, ये 1/2 हो गया। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया है 2:1, सिंपलेस्ट रेशियो यहां पे क्या आया 2 आया है, 2:1 आया, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है 2, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और इसका कितना है ऑक्सीजन का 1:1, तो सबका यहां से दिखाई दे रहा हूं। ठीक है, कैसे वहां पे 2 और 1 आया है देखते हैं थोड़ा सा, जैसे ये हाइड्रोजन में कितना है 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन में कितना है 1/2, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड को अगर हम 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ 2 * 1 क्या हो गया 2 * 2 हो गया और ये नीचे आ गया 2:1 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 और 1। इस तरह से जो है हम इसका ये निकाल सकते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या आयन, नेक्स्ट डे हम जो रीड करेंगे क्या है वो आयन, नेक्स्ट टॉपिक आयन, आई हो गया आयन रीड करेंगे, आयन क्या होते हैं। ओके, तो आप इसको पूरा रीड कर लीजिए, ये लर्न कर लीजिए, एटॉमिसिटी क्या होता है, मोनोटॉमिसिटी क्या होता है, डायटॉमिसिटी क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इसका रेशियो क्या होता है, हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको आयन बताएंगे। ओके, थैंक यू।